पनवेल गोरखपूर ही नुसती गाडी नसून पनवेलच्या इतिहासात लिहिला जाणारा एक अध्याय आहे असे गौरवोद्गार जगदंबिका पाल यांनी बुधवारी काढले. पनवेल गोरखपूर एक्सप्रेसला यांच्या हस्ते हिरवा झेंडा दाखविण्यात आला त्यावेळी ते बोलत होते. बुधवारपासून पनवेल येथून गोरखपूरला जाणारी पहिली लांब पल्ल्याची गाडी सुटली. यावेळी माजी नगराध्यक्ष चारुशीला घरत, पनवेल शहराध्यक्ष जयंत पगडे, माजी नगरसेवक अनिल भगत, नितीन पाटील, समीर ठाकूर, संतोष शेट्टी, संगीता कांडपाल, भीमराव पवार, पनवेल तालुका उपाध्यक्ष संजय भोपी आदी मान्यवर उपस्थित होते. या रेल्वेसाठी माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर आणि आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी वारंवार ही मागणी लावून धरली होती. या मंडळींनी या रेल्वेसाठी कसोशीने पाठपुरावा केला होता त्यामुळे ही रेल्वे येथे सुरू झाली आहे असे यावेळी माजी मुख्यमंत्री जगदंबिका पाल यांनी सांगितले. आने वाले दिनों में ये केवल एक ट्रेन नहीं है बल्कि पनवेल और इस पूरे इलाके का एक विकास होगा, इसका महत्व बढ़ेगा, इस शहर की कीमत बढ़ेगी और हर दृष्टिकोण से इंडस्ट्री में ग्रोथ होगा. जब सीधी यहाँ से वॉशिंग पिट होगा, टर्मिनल होगा, गाड़ियाँ आएगी और यहाँ से फिर नई गाड़ियाँ ओरिजिनेट होकर चलेगी. मैं समझता हूँ वो एक शुरुआत है जिसके बारे में आपने पूछा. कम से कम वो पहल जो पहले होनी चाहिए थी, 10 साल में कांग्रेस यूपीए की सरकार में होनी चाहिए थी, उससे पहले होनी चाहिए, वो पहल आज बीजेपी एनडीए की सरकार में मोदी की शेयर किसको जाता है. यहाँ के जो मैं समझता हूँ आमदार है शुरू से इनकी लगातार मांग थी प्रशांत ठाकुर जी की, और यहाँ के खासदार हैं हमारे उनकी भी खासीगर, और पूर्व सांसद जो हमारे रहे हैं रामदेव ठाकुर जी, ये सब लोगों का प्रयास रहा, सभी लगातार मांग कर रहे थे. उस पर हमने भी जोड़ा था अपने को, इसलिए कि हमारे बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराज जी लोग, तो और आज वो मांग पूरी हुई इसलिए मुझे बहुत खुशी है. और आज इस पनवेल में एक उत्सव जैसा माहौल लग रहा. या कार्यक्रमावेळी उत्तर भारतीय सेलच्या अमिता चव्हाण, अवधेश शुक्ला, अरुण सोलंकी आदींनी मान्यवर पाहुण्यांचे स्वागत केले. ही गाडी सुरू करण्यासाठी माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर आणि आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. त्यांचेच हे श्रेय आहे की ही गाडी पनवेलहून सुटणार आहे. ही गाडी आता आठवड्यातून 4 दिवस सायंकाळच्या वेळेत सुटणार आहे, तशीच सकाळच्या वेळेसही सुटावी अशी अपेक्षा आहे. इन लोगों का भी कंटिन्यू प्रयास था, मैं निरंतर इनके संपर्क में था कि भाई किसी भी तरह नॉर्थ इंडिया की गाड़ी चालू की जावे. ये हमको इन्होंने जो अभी दिया है वो शाम का खाना दिया है, अभी हमारा सुबह का भोजन बाकी है. हमारी पुनः इनसे यही प्रार्थना रहेगी कि हफ्ते में 3 दिन ये गाड़ी सुबह के लिए यहाँ से कानपुर लखनऊ जानी चालू हो, ताकि कंटिन्यू यहाँ पे 7 दिन जो है, 4 दिन गाड़ी मिली, 3 दिन और मिल जावे, तो 7 दिन यहाँ से कंटिन्यू पनवेल से नॉर्थ इंडिया की गाड़ी चालू हो जाए, ताकि आने जाने वाली पब्लिक को काफ़ी आराम मिले, काफ़ी सुगमता हो, ऐसी हमारी इनसे आगे की मांग है. जो इन्होंने मौन स्वीकृति मेरे को दी है और मेरे से कहा कि आप आना, मैं रेल मंत्री के पास आपको ले चलूंगा और जो मेरे से प्रयास होगा वो करके आपकी गाड़ी चालू करूंगा. तो आज से गाड़ी पनवेल से शुरू हुई. हाँ, आज से पनवेल सप्ताह में 4 दिन चालू हो रही है. बाकी जो भी गाड़ियां अभी 2-3 दिन में चालू हुई है वो सब वीकली चालू हुई है. पनवेल पे विशेष ध्यान देके एनडीए गवर्नमेंट, चाहे आप प्रभु जी को कह दें, चाहे गवर्नमेंट का दे दें, चाहे प्रशांत सेठ को कह दें, चाहे रामसेठ जी को कह दें, इन सबके प्रयास से ये 4 दिन के लिए पहली गाड़ी नए स्टेशन से पहली बार इस पनवेल महानगर पालिका के अंतर्गत चलने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ. या सुरू करण्यात आलेल्या गोरखपूर एक्सप्रेस मुळे पनवेल मधील उत्तर भारतीय बांधवांनी लोकनेते रामशेठ ठाकूर आणि आमदार प्रशांत ठाकूर यांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त केले.